लोगों को ठगने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। हाल ही में एक स्कैमर ने नागपुर शहर के एक व्यक्ति को जॉब के नाम पर ठग लिया। आरोपी ने व्यक्ति से तकरीबन 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जानकारी के मुताबिक नंदनवन निवासी 28 वर्षीय पीयूष दिलीप राव बुरड़कर पिछले कुछ दिनों से जॉब की तलाश में थे, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन जॉब ढूंढना भी शुरू की थी। इसी बीच उन्हें उनके फोन पर एक मैसेज आता है जो कि एंटिक मीडिया ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होने का दावा करता है। इसके बाद जॉब के नाम पर पीयूष को कुछ ऑनलाइन टास्क करने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह जॉब के नाम पर फिरियादी से समय समय पर पैसे लिए जाते हैं। ऐसी कुल 5,11,392 रुपए की रकम फिरियादी से लेने के बावजूद भी उसे नौकरी ना देते हुए फिरियादी के साथ ठगी की जाती है। नौकरी ना मिलने के बाद भी इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हम सारे युवकों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जॉब करना ये आपकी ज़रूरत भी है और ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, इसको समझना ये आपकी पहली ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है तो उसको समझिए कि ये किस प्रकार का जॉब है। कोई भी जॉब जो आपको ऑफ़र कर रहा है वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, अनलेस एंड अनटिल सिर्फ वो एप्लीकेशन के चार्जेस अगर होंगे तो वो भी इतने ज़्यादा नहीं हो रहे। अगर कोई आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, कोई आपको रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है, कोई आपको पैसे देने के लिए बोल रहा है, तो आप ध्यान दीजिए। और बल्कि हम आपको ये बोलेंगे कि आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और समझिए कि ये कोई जॉब के लिए ट्रिक नहीं है, ये आपको फंसाने की ट्रिक है। और आप एक बार ऐसा करेंगे तो आप बार बार उसमें फंसते जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप एक आध बार गलत होते हैं तो फिर से अपनी की हुई चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स ना किसी के साथ शेयर कीजिए, ना नई जगह से आए हुए जॉब के ऑफर्स दीजिए, या टास्क बेस्ड ऐसा कोई जॉब नहीं होता है। अगर होता है तो वो हमेशा आगे आगे ज़्यादा ज़्यादा कठिन होते जाएगा, लेकिन फिर भी किसी भी जॉब में आपसे पैसे नहीं मांगे जाते हैं। तो जहाँ पे पैसे की मांग हो रही है वो जॉब नहीं हो सकता, इसके बारे में आप निश्चिंत हो जाइए। और जहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं इस तरीके किसी जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कीजिए, ना ही किसी नए नंबर पे उस तरीके का कोई कम्युनिकेशन कीजिए। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।